ऋतिक रोशन और सुजैन रोशन के डायवोर्स की खबरें आजकल चर्चा में है और ये कपल अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कमेंट करने से बचा है। ऋतिक और सुजैन दोनों ही मीडिया से बच रहे हैं। सुजैन ने अपने स्टोर के पॉप शो में मीडिया से काट ली करनी और इस वजह से ऋतिक और उनके अलगाव की खबरों को कन्फर्म माना जा रहा है। ऋतिक और सुजैन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात अब तक न्यूज में आ रही थी, लेकिन अब ऋतिक सुजैन जिस तरह से एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, उससे ये जाहिर जरूर हो रहा है कि इनके डिवोर्स की खबरों में कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर है। ऋतिक रोशन ही नहीं, उनकी वाइफ भी मीडिया से बचने लगी हैं। सुजैन ने अपने स्टोर के लिए एक पॉपअप शो रखा था, उन्हें अपने स्टोर के लिए कवरेज तो चाहिए था, लेकिन स्टोर में उन्होंने रिपोर्टर्स की एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। सुजैन ने ना तो मीडिया से बात की और ना ही उन्हें अपने आसपास आने दिया। यही नहीं, इस इवेंट पर ऋतिक रोशन भी नहीं आए। ऐसे में ये इशारा तो जरूर मिल रहा है कि मिस्टर एंड मिसेस रोशन के बीच ऑल इज नॉट वेल। हाल ही में फिल्म क्रिश 3 के एक्सेसरीज लॉन्च किए गए और इसकी डिजाइनिंग सुजैन की बहन फरहा खान ने की थी, लेकिन अपनी वाइफ के स्टोर में नहीं पहुंचे सुपर हीरो। ऋतिक और सुजैन के बीच बढ़ रही दूरियों पर मीडिया की नज़र लंबे वक्त से है और इस वजह से ऋतिक किसी भी इवेंट पर आने से पहले ही कह देते हैं कि वो किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब नहीं देंगे। ऋतिक सुजैन के डिवोर्स की खबर राकेश रोशन के बर्थडे पार्टी के बाद से ही आनी शुरू हुई। इस पार्टी में सुजैन ने रोशन फैमिली के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाया। वो पार्टी में बहुत देर से आई और वो भी अपनी फैमिली के साथ, और उतनी ही जल्दी वो वहाँ से चली भी गई। हाल ही में ये न्यूज भी आई थी कि फिल्म क्रिश 3 के रिलीज के कारण ऋतिक और सुजैन अपने डिवोर्स की खबर पर चुप हैं। फिल्म की रिलीज के बाद दोनों डिवोर्स लेंगे, लेकिन रोशन और खान दोनों ही फैमिलीज ने इस खबर को डिनाई किया। इसका जवाब तो मिस्टर एंड मिसेज रोशन ही दे सकते। मुंबई से निकिता दलवी की रिपोर्ट, E24।